बड़ी बदकिस्मती है, जम्मू कश्मीर का गवर्नर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है सरकार का, मतलब उसी के अधीन सारी सरकार रहती है। बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर का गवर्नर एक जिम्मेदार शख्स यह कहता है कि मर्डर होने के तुरंत तीसरे चौथे रोज उसने कहा कि हमने जी कातिलों को आइडेंटिफाई किया है, बहुत जल्दी मंजरेआम पे लाए जाएंगे। एक तरफ से कर्फ्यू था, दूसरी तरफ से लोगों में अनरेस्ट थी, बेचैनी थी, खौफ था, क्योंकि जो परिहार ब्रदर्स किलिंग हुई सबकी समझ से बाहर है, उनको क्यों मारा। हालांकि वो बड़े सिविलाइज्ड लोग थे, बेशक अनिल जी परिहार भाजपा के एक्टिव मेंबर थे, लेकिन उसमें वो चीज़ कतई नहीं दिख रही थी। वाज मॉडरेट बीजेपी लीडर, मतलब उसमें कभी ये फिरका परस्ती की कभी उन्होंने कोई ऐसी बात ना की हो, क्योंकि हमने हज़ारों मीटिंगें उनके साथ की और उनके भाई बहुत ही नेक आदमी थे, मतलब विदाउट पार्टी पॉलिटिक्स, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, सबको अच्छी राय देता था, क्योंकि हमारे उसके साथ अच्छे लाइजान थे और हमारी अक्सर बात होती थी। जो ही मैं ज़िला सदर बना तो ही वॉज द फर्स्ट में कि पहली बार आपकी मेहनत रंग लाई और अपनी डेडिकेशन के साथ रहो जहाँ पे हो। और वैसे शख्स का मर्डर करना ये आम मर्डर नहीं है, और पुलिस गवर्नर का ये कहना कि हमने कातिलों का आइडेंटिफाई किया, और आज तक ये कि आज तक उनका नाम मंजरेआम पे नहीं आया, नहीं आ रहा है, क्या वजह है? कहीं मर्डर हशब तो नहीं हो रहा है? मतलब लोगों के दिलों में शक शुबा इस मर्डर का, इन दोरा कत्ल जो हुआ है, ब्रूटल किलिंग जो हुई है, इसका निकलना आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तरह तरह के सस्पेंस हैं। कहीं का मानना है इट इज़ पॉलिटिकल मोटिवेटेड किलिंग, कहीं का मानना है कुछ और, लिहाजा लोग खौफज़दा हैं कि ये मर्डर कैसे हुआ, क्यों हुआ, कि जल्द से जल्द कातिलों को बाहर निकाला जाए, उनको आइडेंटिफाई करके, अगर तुम्हारे पास, उन्हें बता रहे क्या वजह है।